हेलो एवरीवन, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली है क्या एक आँख में नंबर क्यों आता है। सो गाइस, जैसा कि हम अपना डेली ओपीडी में देखते हैं, मोस्ट ऑफ क्या है, हमें एक आँख में पेशेंट की नंबर देखने को मिलता है। एंड इसका मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किए हैं, तो ये जो पावर है मोस्टली हमें 10 से 30 तक के पेशेंट्स में देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम, कि एक आँख बिल्कुल नॉर्मल होती है एंड एक आँख में उनका चश्मे का नंबर होता है, मोस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल पावर होती है। तो ये क्यों होता है एंड इसका क्या क्या कारण है, ये सब हम जानेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आँख में चश्मे का नंबर, जिसको हम अपने क्लिनिकल टर्म्स में रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, चाहे वो आपका मायोपिक हो, हाइपरमेट्रोपिक हो या फिर आपका एस्टिगमैटिज्म हो। तो बेसिकली जो हमारे 3 जो एरर होते हैं वो मायोपिक, हाइपरमेट्रोपिक एंड एस्टिगमैटिज्म होते हैं। देन इस एज में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 10 से 30 की एज में जो हमें मोस्ट ऑफ देखने को मिलती है, वो ज़्यादातर हमें सिलेंड्रिकल पावर देखने को मिलती है और एक आँख में देखने को मिलती है। तो आज हम जानेंगे इसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है जो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मोस्टली होता क्या है, सपोज़ करिए ये मोबाइल फ़ोन है, तो अगर हम मोस्टली क्या करते हैं, हम साइड से फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, मीन्स अगर मैं साइड से लेटते हैं तो हमारा एक आइज़ पे तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगता फ़ोन देखने में, वो हमारी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है या फिर उसको हम ज़्यादा नहीं देते। बट एक आँख ज़्यादा हमारे मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट में रहती है, जिसकी वजह से हमें एक आँख में ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। पावर जो होता है हमारा, मोस्ट ऑफ माइनस का सिलेंड्रिकल ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आप एक एज अ कंसल्टेंट ऑप्टोमेंट को कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह का एरर ज़्यादा देखने को मिलता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड मोबाइल को अवॉइड कीजिएगा। अब ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करें, बहुत ज़्यादा डेंजरस है मोबाइल फ़ोन हमारी आइज़ के लिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब।